अंग्रेजी शराब के दुकान ला बंद कर देने को, बहुत अच्छा काम करी। तो एक तरफा वोट कांग्रेस ला मिले, लेकिन एमए भी ये सरकार कुछ नहीं करी, बल्कि उल्टा ये जति कंग्रेजी शराब के गांव गांव पहुँच सेवा और गाँव गाँव सब पहुँचाते हैं, उदिया सोजन महाजन सब गाँव में, ये सरकार के भी में संलिप्तता है, वन के संरक्षण में सब काम है। तो ये सब बात ला लेके जनता के बीच ये बात करना चाहिए कि सरकार लेकिन एक महत्वपूर्ण और वो बड़े बात रही थी कि चूंकि गरीब जो परिवार है, उधर हमारे प्रधानमंत्री जी है बोले रही से देश के लाल किला से घोषणा कर रही थी कि जो भी गांव के गरीब रहने वाला व्यक्ति हमारे देश का आज़ादी 75 साल मनाते तक पूरा हम घर बना के देखो, इधर पर प्रधानमंत्री घोषणा के साथ साथ केंद्र सरकार से पैसा जारी होने के बाद भी गरीब व्यक्ति बनता प्रधानमंत्री आवास एक व्यक्ति के भी नहीं बने। तो बड़े कारण ये थे कि यहाँ के भूपेश बघेल के सरकार, अनूप नाग के सरकार, एवं कोई भी गरीब व्यक्ति के मकान मालक नहीं बढ़ता। और वो मैं सोची कि भाई अगर नाम प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद के नाम है, प्रधानमंत्री आवास बन चुका है, लेकिन कोई ऐसे तो नाम नहीं, इंदिरा आवास, राजीव गांधी आवास, कांग्रेस के सोच में ऐसे और भी योजना थी, हमारे में भी लगा, हम ही लोग तुम्हारी मद्रासी पारा अंतागढ़, आप वार्ड क्रमांक 15, वार्ड क्रमांक 15 में हमारे परम आदरणीय भाई विक्रम सैंडी जी का उद्गार एक अच्छे अंदाज में व्यक्त करते हुए पब्लिक के लिए आह्वान भारतीय जनता पार्टी को कमल छाप कर अधिक से अधिक बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाना है। इस दिशा पर सारगर्भित संबोधन, आपका प्रस्तुतिकरण आम पब्लिक के मध्य, वार्ड क्रमांक 15 मद्रासी पारा में आप देख पा रहे हैं विराजित ये मोहल्लावासी गण, महिला एवं पुरुष वर्ग, के साथ ही साथ आप सब लोग ये बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे बहुत सारा जो काम अगर केंद्र सरकार के माध्यम से यहाँ पर जारी होते हैं, जैसे जल जीवन मिशन के बड़े काम, जल जीवन मिशन के जो काम गाँव गाँव में हर घर तक नल के थ्रू तक पहुँचा के हर घर पानी के मध्य और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी विकास के काम जो भाजपा के सरकार के काम है, गाँव में जो आपका दबाव है, प्रधानमंत्री सरकार गाँव गाँव खाली के निर्माण, नगर पंचायत में बहुत सारा काम, बराबर भारतीय जनता पार्टी शासन का, ये सब काम एक प्रकार से बंद होगी जो ठप हो गई थी और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और देश में भी हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अभी भी है, लेकिन अप्रैल मई में निश्चित रूप से जिस प्रकार का काम करी तरीके से बहुत लोकप्रियता देश के बाहर, जिस प्रकार से रात दिन मेहनत करके काम करते, कभी गरीब बने गांव गरीब किसान मन वाली योजना बनाते, तो दोनों जगह छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती, तो दोनों जगह एक ही पार्टी सरकार हर हर मोदी हर घर मोदी। जिंदाबाद 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 विक्रम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद विक्रम भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हमारे पट्टा का बने
जो अमीर आदमी जेकर कर पैसा है अच्छा से जगह दे पट्टा दे दी गरीब आदमी जो बसी है निःशुल्क मिल नहीं रही से लेकिन वो वाला कुछ अधिक अच्छा सक्षम आदमी रहती तो खुद अच्छा मकान बना लेती अधिक वहाँ लाखों रूपए जमा करे के नोटिस भेजी ने सब गलत बात है। भाजपा की सरकार बनी तो निःशुल्क रूप से जो भी गरीब व्यक्ति है वो वाला निःशुल्क आवासीय पट्टा तो एक अमल घोषणा पत्र में पिछले समय भी नहीं दी सरकार नहीं बनी सब लेकिन आने वाले समय में आठ घर दे दी बाकी नहीं। तो ये सब ना आपको खुद सोचने का विषय है। हमारा भी मकान बना था तोड़े गाँव में बाहर से लोग आ रहे हैं बस रहे हैं उनको चुपचाप गोपनीय रूप से दे रहे हैं। इस चीज का विरोध गांव की जनता को करना चाहिए। गांव की जनता करती नहीं है। और भैया तो बोलते हैं कि देंगे पट्टा लेकिन आप हमारे समर्थन तो दो। मकान टूटा है ना आप तो सब जान रहे हो गांव के लोगों का टूटा है। आप समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दो आपको पट्टा नहीं मिलेगा तो भैया को बोलना हम लोग को बोलना लेकिन पूरा समर्थन आप काम को मिलेगा। कई बार गए वहाँ विधानसभा बहुत भूतपूर्व से है लेकिन शुरू से विधायक बनत जाते कोई कार्य नहीं हुआ यही का विधायक इनसे के सब चीज बनत है। सब विधायक कौन हो जाए पांच साल राजनीति करी अनुपनाथ राजनीति करी पब्लिक का थोड़ा खिन्नता पब्लिक की खिन्नता स्वाभाविक है। हर किसी को इच्छानुकूल तो प्राप्त हो नहीं सकता अपितु यह शासन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय सोच के स्तर पर काम करती है। ठगने वाली पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की सोच आलाकमान की सोच जब विश्व लेवल पर अपना स्थान रखती है स्वाभाविक है। हमारे इंडिया के एक कोने पर एक तहसील पर इनकी सोच क्या होगी आप स्वयं सोचिए चिंतन करिए और भाजपा को अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनावे। बीएल साहू अंतागढ़ मद्रासी पारा वार्ड नंबर 15 हर हर मोदी।